हेलो दोस्तों, स्वागत है एसएम रिपेयरिंग में। तो दोस्तों, आज हमारे पास आया है आईटेल का फ़ोन। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों कि बैटरी कनेक्ट करते ही चार्ज होने लगता है। फ्रेंड ये देख सकते हैं, फ्रेंड बैटरी लगाते ही बिना चार्जर का ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है हम चेक करके आपको आपके सामने हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। फ्रेंड तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम पहले मीटर से चेक कर लेते हैं फ्रेंड क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए फ्रेंड, पहले हम इसका बीप मोड में सेट कर दिए। सेट करने के बाद फ्रेंड हम आपको चेक करके बता रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरा मीटर बीप मोड में सेट हो गया है। पहले हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड कि यहाँ से कहीं मेरा शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तो शॉर्ट बता रहा है फ्रेंड, तो इसमें शॉर्ट हो रहा है कहाँ से, हमको ये चेक करना है फ्रेंड। तो हम पहले इसका कीपैड का ये बटन का पत्ता हटा देते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये मोबाइल लगता है कहीं दूसरे जगह रिपेयर के लिए दिया हुआ था, जिसमें डायरेक्ट कर दिया है फ्रेंड। तो अगर आपके फ़ोन में यहाँ अगर आईसी लगा हुआ है R200 का, तो फ्रेंड आप उसको रिमूव करके हम आपको बताते हैं, वो आपको लगा देना है फ्रेंड, और ऑटोमेटिक चार्ज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम वो लगा करके हम आपको दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले ले लेना है जीनर। ये देखिए फ्रेंड, ये 5 वोल्ट का जीनर है। इस जीनर को हम लगाते हैं। कैसे लगाना है फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हम आपको लगा करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप में कर लेना है फ्रेंड, और आपको ये देखिए पॉजिटिव वायर आपको लगा देना है चार्जिंग के कनेक्टर वाले। ये देखिए प्लस पॉइंट पे लगा देना है, ये चार्जिंग का प्लस पॉइंट है उधर से यहाँ तक का। तो आपको यहाँ पहले इस वायर को लगा देना है फ्रेंड, उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे हमको इसका वायर एक तो कनेक्ट कर देना है, और हम आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपके सामने फ्रेंड। ये 100% वर्क करेगा फ्रेंड, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियो आते रहता है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, हम पहले बैटरी को लगा करके आपको हम दिखा देते हैं। ये आप ऑटोमेटिक चार्ज होना बंद हो गया है फ्रेंड, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ऑटोमेटिक चार्ज होना बंद हो गया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए हम आपको 1 करके भी दिखा रहे हैं फ्रेंड कि 1 होने पर भी ये प्रॉब्लम का सामना हमको नहीं करना पड़ रहा है। तो देखिए देखिए फ्रेंड, अब चार्ज नहीं हो रहा है, हमारा वहीं से शॉर्ट था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।